सभी वीडियो में यही बताया गया होगा कि कोकोपीट जो है कितना फ़ायदा पहुंचाता है गार्डनिंग के अंदर, बट आपको कोई ये नहीं बताता कि गार्डनिंग में जो कोकोपीट है जितना फ़ायदा पहुंचाता है उतना ही नुकसान भी पहुंचाता है, और बहुत ज़्यादा सल्फर होने की मात्रा की वजह से आपका पौधा धीरे धीरे सड़ना गलना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कोकोपीट नहीं है तो आप गार्डनिंग नहीं कर। क्या हमारे पास कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल टेढ़ी बगिया में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत शानदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है होता है गार्डनिंग में। अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं, गमले लगाते हैं, आपके यहाँ टेरेस गार्डन है और आप फल फूल सब्जियाँ उगाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोकोपीट के बारे में, क्योंकि कोकोपीट से होने वाले डिसएडवांटेज क्या हैं। क्योंकि आज तक आपने जितने वीडियो देखे होंगे उन सभी वीडियो में यही बताया गया होगा कि कोकोपीट जो है कितना फ़ायदा पहुंचाता है गार्डनिंग के अंदर, बट आपको कोई ये नहीं बताता कि गार्डनिंग में जो कोकोपीट है जितना फ़ायदा पहुंचाता है उतना ही नुकसान भी पहुंचाता है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि वीडियो में हम बताएंगे कि कोकोपीट किस तरीके से आपके पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा होता है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्या हमारे पास कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट है हम कोकोपीट को हटा सकें और कोकोपीट की जगह हम कोई दूसरा चीज़ इस्तेमाल कर सकें? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी जानकारी शेयर करके चलेंगे कोकोपीट के बारे में। वीडियो में बने रहें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों बात करते हैं कोकोपीट के बारे में। कोकोपीट का सबसे पहला डिसएडवांटेज जो होता है, तो दोस्तों सबसे पहला जो नुकसान होता है कोकोपीट से हमें, वो होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे सॉल्ट अवेलेबल होता है। जब हम इसको गमले में या मिट्टी में यूज करते हैं तो इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं किया है तो आपका जो पौधा है, जब आप इसमें पौधा लगाएंगे तो पौधा आपका मर जाएगा दोस्तों, और बहुत ज़्यादा सल्फर होने की मात्रा की वजह से आपका पौधा धीरे धीरे सड़ना गलना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कोकोपीट का वो यही है कि जो सॉल्ट का कंटेंट है, सल्फर है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें अवेलेबल होता है। क्योंकि ये दोस्तों नारियल के जो बुरादा होता है, जो नारियल का जो ऊपर का खोल होता है, उसको ग्राइंड करने के बाद तैयार होता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा सल्फर अवेलेबल होता है, क्योंकि ये जो समुद्र का पानी होता है उसी से जो सिंचित होता है, उसी की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा सल्फर और सॉल्ट जैसे पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, जो नॉर्मल प्लांट्स के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो दोस्तों जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ ऐसी वेराइटीज़ प्लांट्स की होती हैं जिनमें आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप इसका इस्तेमाल उन प्लांट्स के अंदर करते हैं तो आपके प्लांट्स मर जाएंगे। जैसे गुलाब है, गुलाब को बहुत ज़्यादा खारा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, या उसको जो सॉइल मीडिया है उसमें भी सॉल्टेड मटेरियल नहीं चाहिए। तो इसलिए जब आप गुलाब अगर लगाते हैं तो आप गुलाब में कभी भी कोकोपीट का यूज़ ना करें, नहीं तो आपका जो गुलाब है वो मरना शुरू हो जाएगा। फिर याद ध्यान रखना है दोस्तों, इसको कोकोपीट को उन्हीं प्लांट्स के यूज करें जो बहुत ज़्यादा एसिड झेल सकते हैं, क्योंकि इनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कोकोपीट। ऐसा नहीं है हर एक पौधे में यूज करना चाहिए। तो दोस्तों कोकोपीट का सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया, जिसको आप आई बटन पर दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं, और हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल कराया, वहां से भी आप इसको कम्प्लीटली दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आपने आज तक जितने वीडियोज़ में देखा होगा, बताया गया होगा आपको कि ये कोकोपीट जो है बहुत ज़्यादा वाटर कंटेन करता है, तो इसको आपको अपने गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करना चाहिए। बट ये भी एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि जो कोकोपीट है वो वाटर होल्डिंग रखता है, ये सभी जानते हैं और आप भी जानते होंगे, बट आप ये नहीं जानते कि आप किस पौधे में इसका यूज कर रहे हैं। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहते, बट कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर या फिर पानी चाहते हैं। तो अगर आपने कोकोपीट को ऐसे पौधों में यूज कर दिया जिनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं थी, तो आपका जो पौधा है वो गलना शुरू हो जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहली जानकारी यही रखनी है कि आपके जो पौधे हैं उनमें कौन से पौधे ज़्यादा पानी की डिमांड रखते हैं और कौन से पौधे कम पानी की डिमांड रखते हैं। तो हमेशा ज़्यादा पानी वाले डिमांड वाले पौधों में आपको कोकोपीट का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ जो दूसरे पौधे हैं जो पानी की कम डिमांड करते हैं उसमें कोकोपीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। उसमें आप दूसरी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वाटर होल्डिंग रखती हैं। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि कोकोपीट बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग रखता है, तो वाटर होल्डिंग की वजह से जो रूट्स हैं उनमें फंगस क्रिएट हो जाती है और आपका पौधा मरना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी होता है दोस्तों।
और दोस्तों कुछ हमारे नए जो गार्डनिंग लवर हैं उनको जानकारी नहीं होती कोकोपीट के बारे में, और वो कोकोपीट की मात्रा बहुत ज़्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोकोपीट की जो डिसएडवांटेज क्रिएट होते हैं वो इसकी डोज से भी होते हैं। आपको हमेशा मिट्टी के अंदर आपके पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कोकोपीट इस्तेमाल करना है। अगर आपने पौधे की रिक्वायरमेंट के अलावा ज़्यादा या फिर कम कोकोपीट इस्तेमाल किया तब भी आपका पौधा जो है ख़राब होने लग जाता है दोस्तों, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है, तो इसका भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। दोस्तों कोकोपीट के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ होता है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ये कोकोपीट है इसको कम वाटर कंज्यूम करा करके इसको फुलाएंगे और फुलाने के बाद इसको हम मिट्टी में यूज करेंगे और हमारा पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोकोपीट जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं होता, ये न्यूट्रिशन फ्री प्रोडक्ट होता है। ये केवल मिट्टी को सॉफ्ट और उसमें वाटर कंटेंट एंड उसका जो एरिएशन पोर्शन है उसको अच्छे से बनाए रखने का काम होता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। तो आप जब भी अपने गमलों में या फिर अपने पौधों में कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में न्यूट्रिशन या फिर दूसरे न्यूट्रिशन अवेलेबल ज़रूर कराएँ, क्योंकि आपका जो पौधा है वो कभी भी कोकोपीट से ग्रो नहीं करता है, वो केवल उससे उसकी मिट्टी सॉफ्ट होती है। तो ये हमेशा याद रखें कि कोकोपीट जो है वो न्यूट्रिशन फ्री प्रोडक्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पोषक तत्व तो अवेलेबल नहीं होता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करते समय आपको न्यूट्रिशन का भी इस्तेमाल करना होता है आपके अपने गमलों में, जिससे आपके पौधे जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएँ और बहुत ही अच्छे से बड़े हो पाएँ। दोस्तों जब आप कोकोपीट अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं, आप अपने गमलों में पौधों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका डिसएडवांटेज तो इसका एक और डिसएडवांटेज होता है जो हमेशा ज़्यादातर जो बड़े पौधे होते हैं उनमें होता है। जैसे आपका अनार का पौधा है, अमरूद का पौधा है, नींबू का पौधा है, जो थोड़े बड़े साइज़ के पौधे होते हैं उनमें ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है। तो जब भी आप कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं तो इन पौधों में बहुत कम मात्रा में कोकोपीट यूज करिए, क्योंकि जो कोकोपीट होता है वो प्लांट की जो स्ट्रेंथ होती है उसको लूज़ कर देता है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो मिट्टी को अच्छी तरीके से नहीं पकड़ पाती, और जब कोकोपीट आप यूज कर देते हैं मिट्टी के अंदर तो मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने की वजह से जो प्लांट की स्ट्रेंथ होती है और जो स्टेबिलिटी होती है वो डैमेज होने लग जाती है, जिससे पौधा जब तेज़ हवाएं आती हैं तो बहुत तेज़ी से हिलने लग जाता है, और कभी कभी आपका पौधा बहुत तेज़ हवा की वजह से उखड़ भी जाता है। तो वहाँ समस्या आपके सॉइल मीडिया होता है, क्योंकि आपका सॉइल मीडिया बहुत ज़्यादा लूज था, जिससे आपके पौधे ने वहाँ पर रूट्स जो हैं अच्छे से नहीं जमा पाई और आपका जो पौधा था वो उखड़ गया। इससे भी आपके पौधे में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है। तो कोकोपीट का जो रेशियो है वो बहुत सही तरीके से आप इस्तेमाल करिए दोस्तों, और सही रेशियो जानने के लिए आप हमारे चैनल पर कई सारे हमने कोकोपीट से वीडियो अपलोड किए हैं, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों और उनका जो वीडियोज़ हैं उनका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों कि अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप पौधे नहीं उगा सकते, आप बीज नहीं उगा सकते। अगर आपके पास दोस्तों कोकोपीट अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप राइस हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका सॉइल मीडिया है उस सॉइल मीडिया में आप सैंड बालू यूज कर सकते हैं, परलाइट यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो सॉइल है वो भी सेम कंडीशन में बहुत ही अच्छी क्वालिटी में डेवलप होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप गार्डनिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में घबराएं नहीं, आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि कोकोपीट को इतना प्रमोट क्यों किया जाता है कि कोकोपीट कोकोपीट कोकोपीट, बिकॉज दोस्तों कोकोपीट का रिजल्ट अच्छे प्राप्त होते हैं हमें, इसलिए कोकोपीट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। कोकोपीट के बारे में अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं है तो आपके लिए ये डिसएडवांटेज काम करते हैं। अगर आप कोकोपीट के बारे में अगर आपको जानकारी है, टेक्निकल जानकारी है, थोड़ा सा उसका केमिकल प्रोसेसिंग की जानकारी है, तो आप अपनी गार्डनिंग में कोकोपीट को एज आ डिसएडवांटेज के बजाय आप उसको अपने प्लस पॉइंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है। बस आपको इसकी मात्रा, इसकी क्वालिटी, इसका टेम्परेचर, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों घबराएं नहीं, आपके पास कोकोपीट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पर ऐसे ही कोकोपीट से जुड़ी कई सारी जानकारी अवेलेबल हैं, और गार्डनिंग से जुड़ी हुई कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी अवेलेबल हैं, तो जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी कि कोकोपीट से होने वाले डिसएडवांटेज क्या हैं, इससे होने वाले क्या क्या नुकसान हैं जो गार्डनिंग में आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आपके पौधे ख़राब होते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा इसकी क्वालिटी क्वांटिटी का ध्यान रखना है, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से गार्डनिंग करनी है। और तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,
और कोकोपीट से जुड़ी जानकारी आप अपने मित्र और दूसरे जो गार्डनिंग लवर हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी कोकोपीट के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक के साथ। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।